Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शुद्धि हवन किया। हवन के आयोजन पर सपा जिला पूर्व जिला अध्यक्ष पदम राग सिंह यादव पप्पू ने कहा, नरेश अग्रवाल जैसे धोखेबाज और मौका परस्त नेताओं के कारण समाजवादी पार्टी हरदोई अपवित्र और अशुद्ध हो गई थी। उनके पार्टी से निकाले जाने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय हरदोई पर विद्वान यज्ञाचारी द्वारा शुद्धि हवन किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्रीमती जया बच्चन पर अशोभित टिप्पणी करने पर कहा, सत्ता पाने के लालच में और जल्दी में नरेश अग्रवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए हवन के द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध पर भी आहुति डाली गई ताकि उनकी बुद्धि जल्द से जल्द सुधर जाए और भविष्य में इस प्रकार के ओछे बयान न दे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। हरदोई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते कुछ महीने पहले एक डकैती इन बदमाशों ने डाली थी, जिसका खुलासा करते एएसपी पूर्वी ने बताया कि ये बहुत शातिर अपराधी है। ये सभी कहीं कोई वारदात को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। जैसे ही मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली तो एसपी के निर्देश अनुसार स्वाट टीम और स्थानीय थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिस कारण गैंग का सरगना अपने सात साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने चार बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बजला थाना क्षेत्र में 16/11/2017 को शिकायत पड़ी थी। इसमें पूरा टीम प्रकाश में आई है और इसमें चार लोग गिरफ्तार किए हैं। उनके खिलाफ उनके आपराधिक इतिहास है और गए जनपदों में भी आपराधिक इतिहास है इनके, और दो मोटरसाइकिलें चोरी की रिकवर हुई इनके साथ, और चार तमंचे 315 बोर के, चार कारतूस जिंदा और पांच कॉपर कारतूस रिकवर हुआ। इसके साथ साथ घटना में लूटे गए डकैती में जो लूटे गए गहने भी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कुछ जो इनके अपराधी इनके साथी थे वो अभी नाम प्रकाश में आए हैं, कई अभी वो बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे और कहां कहां इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया? ये अगल बगल के जनपदों में खीरी में शाहजहाँपुर में और जगह पर इनके आपराधिक इतिहास है, यहाँ पर भी इन्होंने घटनाएँ की हैं और जा करके ये घर के अंदर घुस जाते थे जब और लोगों को बंधक बना करके घटना डालते। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए शहर की वीआईपी कॉलोनियों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग होते स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसी विपिन जैन के नेतृत्व में आज शहर की वीआईपी कॉलोनी आवास विकास में विद्युत विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत चोरी करते हुए कई लोगों के ऊपर कार्रवाई के साथ में ज्यादा बड़े बकायेदारों के कनेक्शन भी काट गए। चेकिंग अभियान को देखते हुए कुछ लोगों ने अपने घरों में ताले ही जड़ दिए। ये जनरलाइज चेकिंग अभियान हम लोग चला रहे हैं। ये आवास विकास कॉलोनी जैसे ये थोड़ा सा मध्यम वर्ग से ऊपर वाले परिवारों का है, लेकिन जहाँ जहाँ भी कंजम्पशन कम आ रहा है तो उनकी हम विशेष जांच कर रहे हैं। जैसे ये हम जिस घर के सामने खड़े हैं, इतने बड़े घर में मात्र 26 यूनिट का आ रहा है, तो इनका मीटर हम सील करके ले जा रहे हैं और साथ में नया मीटर इनका लगा दे रहे हैं। उस सील मीटर की हम लोग लैब में जांच करें, अगर कुछ मिलेगा तो इनके ऊपर जो धाराएं हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में प्रति मंगलवार लगभग सभी कार्यालय में जनसुनवाई होती है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी सभी इससे काफी अशांतित रहते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जनसुनवाई अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। सरकारी उदासीनता के चलते अब आम लोगों की आशाएं टूटने लगी है। उसी के चलते कुक्षी में अपने कई आवेदनों पर एसडीएम कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं होने पर एक आवेदक ने जनसुनवाई बंद करने का लिखित आवेदन दिया। आवेदक ने जनसुनवाई
में बंद करने के ठोस लिखित कारण बताते हुए ऐसा आवेदन दिया है। कुक्षी एसडीएम की जन सुनवाई में कुक्षेक अपवादों को छोड़कर अधिकांश कार्यालय प्रमुख अपने किसी छोटे स्तर के कर्मचारी को भेजकर लगातार कुंडी काट रहे हैं। आवेदकों के आवेदनों पर वर्षों बीत जाने के बाद भी किसी को यह नहीं मालूम पड़ता है कि उस पर संबंधित कार्यालय से क्या जवाब आया है या नहीं। कई छोटे स्तर के अधिकारी तो जनसुनवाई में ही आवेदकों से बहस करने लग जाते हैं। जनसुनवाई पर सरकारी उदासीनता के चलते उसी को संपूर्ण कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसका पक्का समाधान शासन द्वारा शीघ्र खोजा जाना अति आवश्यक है। वहीं जनसुनवाई की चर्चा के दौरान किसी विषय पर जनसुनवाई नहीं होने के विषय को लेकर जब मीडिया ने चर्चा करना चाहा तो एसडीएम अचानक भड़क गए। बताओ कहां कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते, आप ही बताओ, और कहां प्रतिबंध है बताइए। आप हम कौन होते कवरेज होना नहीं होने देने वाले, आप बताइए। मुझे पता भी नहीं है कि आप मेरा कवरेज, मुझे बताना चाहिए कि भाई आपका हम कवरेज ले रहे हैं। मेरी आपकी बात मेरी व्यक्तिगत बात जब रहती है तो मेरे से तो पूछना चाहिए, भाई आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। कुक्षी से फिरोज खान की रिपोर्ट। अभी गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी और नगर में पानी को लेकर तिराहे तिराहे मची हुई है। नगर के मुख्य चौराहे जो राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पानी के नाम पर केवल एक हैंडपंप है जो 8 दिन से खराब है और कोई व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा नहीं है। राम मंदिर चौराहे से हजारों लोगों का आना जाना बना रहता है। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा के लिए पानी घर से लाना पड़ता है। राम मंदिर चौराहे शहर का मेन बाजार है, वहाँ के दुकानदारों को पीने का पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ज्यादातर नगर के सभी वार्ड में पानी को लेकर सालों से नगर की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। ताकि फतेहचंद कॉलोनी, बेनीपुर, पीपरघान रोड, शिवलालपुरा और नगर के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है, जबकि नगर पालिका सबलगढ़ द्वारा पानी की व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपए का खर्च केवल कागजों में दिखाया गया है। धरातल पर कुछ नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के पैसे का केवल कमीशन की खातिर मंदरवाट किया जाता रहा है। कौन सी जगह है ये? ये राम मंदिर चौराहा है। हैंडपंप कितने दिनों से खराब पड़ा है? हैंडपंप करीबन 8 दिन से बंद पड़ा हुआ है और बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को पानी भरने में। कितनी जनता पानी पीती होगी ये? पानी के लिए तो अनगिनत लोग पानी पीते हैं, 70 नंबर 1 से लगा के और चौधरी साहब के मकान तक और इधर ये रेलवे क्रॉसिंग तक। कौन सी जगह है ये? ये राम मंदिर चौराहा है, मेन चौराहा है, यहाँ चारों तरफ का आदमी आता है पानी पीता है, परेशान होता है। इसके अलावा और कोई पानी की व्यवस्था है? कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आसपास। तो आपने इसकी शिकायत बाकी क्या नगर पालिका? नहीं जी, अब कोई सुनता ही नहीं है तो शिकायत कर करे। 2-4 बार पहले की थी, कोई सुनता नहीं है, ऐसे क्या हो? बस 4 बार शिकायत पहुँचवा देंगे। क्या कहते हैं वो? वो ये कहते हैं कि चलो ठीक करवा देते हैं, आपने अब बताया है, जबकि नगर पालिका जाने का मुख्य मार्ग यही है, नगर पालिका जाने का मुख्य मार्ग है, फिर भी उनको नहीं दिखता है और वो कहते हैं कि हम ठीक करवा देंगे, आपने बताया है तब। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिले के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र में सिराथु रोड पर यह हादसा उस समय हुआ जब सवारियों से भरी विक्रम और अल्टो कार की सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे अनियंत्रित होकर विक्रम पलट गई, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे का कारण कार चालक की लापरवाही बताई जा रही है। 5 से 6 लोग आए हैं, जिसमें 2 जो हमारे पास आए मरीज वो मृत अवस्था में लाए गए हैं, बाकी 2 मरीज की हालत खराब है, उसमें से 1 मरीज को भेज दिया गया है सुरक्षा इलाहाबाद के लिए, अभी 1 मरीज को रखा हुआ है ऑब्जर्वेशन के लिए, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और 2 बाकी जो 2 हैं वो ठीक है। मंझनपुर हॉस्पिटल में नाती को लेकर के इलाज कराने आए थे, इलाज करवा के वापस घर को जा रहे थे, तिपहिया में बैठ के ITO ऑफिस के पास, उधर से सिराथू की तरफ से जीप आ रही थी, इधर से हम ला रहे, दोनों टकरा गई है। अब उसी में हम तो नीचे दबे थे, जब किसी तरह लोगों ने उठाया तो नाती को देखा तो नाती खत्म हो चुका था, किसी तरह से लोगों को चिरौरी करवा के ले आए हैं अस्पताल तक,
का हम मृतक घोषित कर दिया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के विकास खंड राजपुर के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय आलमपुर में बच्चे गंदगी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर कमरे में कई दिनों से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जब इस विषय में शिक्षिका से बात की तो उन्होंने गोलमाल उत्तर दिया और परीक्षा के दौरान भी शिक्षिका शिक्षा मित्र कथित बीमारी बताकर स्कूल से चले जाते हैं और जहां पर एक शिक्षिका के सहारे ही हो रही है परीक्षाओं की औपचारिकताएं। कितने लोग यहां तैनात हैं आपके स्कूल में? दो लोग प्राथमिक विद्यालय आलमपुर। दो लोग हैं, एक लोग कहाँ है? एक लोगों को आंखों में तकलीफ थी तो वो दिखाने गए डॉक्टर। अच्छा। उनसे कहा था कि परीक्षा वरमाने न जाओ, लेकिन उनका हमें जाना। कानपुर देहात से कैमरामैन इस्माइल के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव में स्वच्छता की अलग जागे, विकास हर घर तक हो, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने की जगह ग्राम पंचायत के सरपंच मनमानी पर उतारू हो गए। इंदौर के झलारिया गांव की तस्वीर कुछ यही कहानी कह रही है। यहां की ग्राम पंचायत में ना साफ सफाई है और ना शौचालय की व्यवस्था। यहां पूरी ग्राम पंचायत लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। यहां के सरपंच भगवान सिंह राजपूत की जिम्मेदारी थी कि गांव का वो विकास करे, लेकिन यहां का विकास अब भगवान भरोसे ही है। ग्राम पंचायत के रहवासी विकास न होने से सरपंच के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। शौचालयों की व्यवस्था भी ये है, खाना खुदवा लिया, रख दिया ऐसा कैसा? आपको इसके किसी प्रकार का कोई सहायक राशि नहीं दी गई? आप नहीं दी अभी तक? और कहीं मकान बन गए उधर पीछे मकान बन गए हैं, ये नहीं बने। कितना टाइम हो गया आपके? 1.5 साल हो गए। ये हम 33 साल से निवास कर रहे हैं। आप बता दें कि कोई क्या व्यवस्था है आपकी यहाँ पर? कुछ नहीं, नहीं कहा जाते हैं आप लोग? बाहर जाते कहाँ जाते? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9 इंदौर। आरोन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने प्रतिदिन मिट मार्केट लगता है, जिसमें कई बार हटाने का प्रयास किया लेकिन दादागिरी और लड़ाई झगड़े के डर से परास्त होकर लौटती है और इसका परिणाम वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। दिन भर वहां पर बदबू के कारण ना तो बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर पाते हैं और अधिकतर बीमार होने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में कई बार स्कूल प्रबंधक एवं छात्राओं द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है एवं वहां पर बने हुए काली माता मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं द्वारा भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि एक बार प्रशासन की सख्ती के कारण आरोन के बाहर वाले क्षेत्रों पर स्थापित कर दिया गया था, लेकिन वह कुछ दिन के बाद गुनगुना अपनी पुरानी स्थिति पर आ गया है। आरोन से सोनू साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विभिन्न वांचलों में पदस्थ कार्यपालिका वन कर्मचारी जो कि समाज के अंतिम बिंदु पर रहकर 24 घंटे वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा में तपती धूप में कड़कड़ाती ठंड और घनघोर वर्षा में समाज एवं परिवार से दूर रहकर दबंगता के साथ वनों की सुरक्षा में लगे हैं। कल वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेख जलील के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसके अंतर्गत कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष शेख जलील ने बताया कि हम लोगों की मेहनत, त्याग और समर्पण से ही संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इतनी कठिन सेवा करने वाले कर्मचारियों का वेतन मान अन्य विभागों के कर्मचारियों से न्यूनतम है, जो चिंता का विषय होकर मनोबल गिराने वाला है। मध्य प्रदेश के वांचल में पदस्थ कर्मचारियों की वेतन विसंगति वर्षों पुरानी है, जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव वन श्रीमती रंजना चौधरी के द्वारा वर्ष 2018 में लिखित समझौता तथा लिखित आश्वासन दिए जाने के पश्चात भी वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेख जलील ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के वेतन मान एक जैसे हैं, साथ ही राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा, राज्य स्तरीय पुलिस सेवा एवं राज्य स्तरीय वन सेवा के वेतन मान भी समान है। कारण ये है कि कर्मचारी संघ की समस्या है जो पहले अभी टाइम से लंबी चल रही है, शासन को हम करते आ रहे हैं के माध्यम से भी किया है, लेकिन अभी तक हमारे उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री निर्मल तिवारी जी के नेतृत्व में उसको 5 चरणों में पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें आज द्वितीय चरण था जिसमें जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया।
उनके शासन को हमारी जो 19 अगला कार्यक्रम 19/4 भोपाल मुख्यालय पर इसका दंड प्रदर्शन किया जाएगा। 1 मई को हम राजकीय भक्ति हमारे जमा करेंगे। 5 चेतावनी है सर। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कब तक मांगे पूरी हो सकती है? मांगे तो हमारी बुरहानपुर से राजेश राखुंडे की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय शाजापुर स्थित हजरत शाह साहब वाराणसी के आस्थाना ए औलिया पर 97वें उर्से मुबारक की शुरुआत सद्भावना सम्मेलन के साथ हुई। इसके चलते मजारे अकदस में पर जायरीनों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं दुरूद फातेहा पढ़ी जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाने लगे। सद्भावना सम्मेलन में राजमंत्री का दर्जा प्राप्त एसके मुद्दीन, पूर्व एसपी वजीर अंसारी शाजापुर, एसपी शैलन सिंह चौहान, डॉक्टर सागर मल जैन, बापू खान खरखरे सहित बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। उर्स को लेकर बाबा के मजार को आकर्षक विद्युत सजावट कर सुसज्जित भी किया गया है। सैयद साजिद अली शाह फारसी ने बताया कि उर्स के दौरान 13 मार्च को महिलाओं के द्वारा मिलाद शरीफ पढ़ी गई और बाबा साहब को चादर पेश कर अमनो अमान की दुआएं की गयी। शाजापुर से शाकिर शेख की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालक भोपाल के निर्देश पर शाजापुर जिला मुख्यालय के मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया संवाद में पर्यावरण, जल संरक्षण एवं पत्रकारिता की बारीकियों पर चर्चा हुई। साथ ही पत्रकारों में सकारात्मक सोच के साथ समाज में जागरूकता लाने की बात भी कही गई। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की वरिष्ठ अध्यापक सुश्री सोनाली नर्म गुंदे, पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका के प्रबंध संपादक डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित, जलविद्युत श्री सुनील चतुर्वेदी और दैनिक स्वतंत्र ऐलान समाचार पत्र के प्रबंध संपादक श्री रमेश टाक के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। शाजापुर से शाकिर शेख की रिपोर्ट। बहराइच जिले के थाना कोतवाली नानपारा में बीते कुछ महीने पहले थाना अध्यक्ष संजय दुबे की तैनाती हुई, जिन्होंने थाने की पूरी व्यवस्था ही बदल डाली। जहां अपराध पर अंकुश तो लगा ही है, साथ ही साथ अपराधियों में इनका खौफ भी है। वहीं थाने का सुंदरीकरण जन सहयोग से कराया। वहीं क्षेत्र वासियों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर बढ़ा है, जिसे देखते हुए जल्द ही इन्हें इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन भी दिया गया है। यूपी के बहराइच से श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल खिलचीपुर में दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें समस्त गणमान्य अतिथियों के सानिध्य में आयोजित किया गया। सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत विद्यालय परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा किया गया व आभार श्रीमती शोभा देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय परिवार के समस्त नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कक्षा 10वीं के बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं सभी उपस्थित अतिथि गणों द्वारा बच्चों को उचित मार्गदर्शन किया गया। माचलपुर से घनश्याम गुजर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्लॉक इकाई द्वारा आज जगदम्बा गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति रूप से उपस्थित रहे। इसी के साथ ही सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने जातिगत आरक्षण रूपी विकृति को मिटाने का संकल्प लिया। होली मिलन समारोह में विप्र बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित भूपेंद्र बालोटिया, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सतानंद शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में बीएमओ राजेश शर्मा रहे। मंच का संचालन पंडित राघव सरकार आचार्य मदन मोहन व्यास द्वारा किया गया। केलारा से राजन सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। तहसील के ग्राम घसमाऊ में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिन कलश यात्रा निकलने के बाद गणेश पूजन किया गया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर गांव के देव स्थलों पर जाकर पूजन किया। ग्राम प्रधान अभिनय कुशवा ने बताया कि 14 फरवरी से 22 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। गर्मी के कारण पूर्व प्रधान कट्टर सिंह कुशवा ने कलश यात्रा में सहभागिता निभाने वाली महिलाओं को शरबत व शीतल पेय पदार्थों का वितरण किया। कानपुर देहात सिकंदरा से सुभाष कटियार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9।